जय हिंद दोस्तों, मैं आशुगौर आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज की हमारी क्लास है वर्गमूल एवं घनमूल की। पहली क्लास है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अब सबसे पहले समझो भाई, स्क्वायर का मतलब क्या है और क्यूब का मतलब क्या है। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है दो, अगर मैं दो की दो बार गुना कर दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, दो का स्क्वायर, दो का वर्ग। ठीक है, अगर मैं किसी भी संख्या की तीन बार गुना कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, क्यूब यानी के घन। ठीक है, अगर किसी भी संख्या की पावर तीन है इसे बोलेंगे घन, और जो दो है पावर उसे बोलेंगे स्क्वायर, मतलब दो की दो बार गुना और दो की तीन बार गुना। यहीं पर अगर इसका निकालना हो वर्गमूल और घनमूल, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखो दो का स्क्वायर करोगे दो का वर्ग, दो का वर्ग होता है चार। ठीक है, और दो का क्यूब कितना होगा आठ। अगर मुझे इसका वर्गमूल निकालना तो क्या मतलब है इसका भाई, उल्टा। यहां से हमने दो का वर्ग किया चार आ गया, और चार का वर्गमूल कितना होगा, तो इसे रूट चार लिख देंगे, और चार किसका स्क्वायर होता है दो का, तो चार का वर्गमूल क्या हो जाएगा दो। आई बात समझ में, इसे बोलेंगे वर्गमूल, इसे बोलेंगे वर्ग। ठीक है, इसी तरह ये घन, अगर आठ है तो आठ का घनमूल करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, दो। ठीक है, निकालने का क्या तरीका होगा, ये समझ में आई बात भाई, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्यूब, उसको वर्गमूल, इसको घनमूल। ठीक, अब देखो जैसे कि आपको कोई संख्या दे दी चौसठ, बताओ चौसठ का वर्गमूल क्या हुआ, तो कैसे निकाल लोगे, जब भी क्या दिया वर्गमूल, क्या निकालना भाई हमें, वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकाल लोगे, जो भी संख्या दे रखी उसके फैक्टर करने शुरू कर दो। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, ये दो से काटी मैंने, दो से कितनी बार कटेगी 32, फिर दो से डिवाइड की 16, फिर दो से किया 8, फिर दो से किया 4, और फिर दो से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, और फिर दो से करोगे तो 1। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर हमें निकालना है क्या इसका वर्गमूल, क्या निकालना भाई, वर्गमूल। तो वर्गमूल होता है वर्ग, यानी कि दो बार गुना होती है संख्या की, संख्या की दो बार गुना। तो यहां पे क्या करेंगे हम, संख्या के दो दो के जोड़े बना लेंगे। वर्गमूल में क्या करोगे, संख्या के दो दो के जोड़े बना लो। ठीक है, अब जो आया कितने जोड़े हो गए, एक दो तीन, दो गुना दो गुना दो, तो कितना आ जाएगा भाई, दो दूनी चार दूनी आठ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चौसठ जो है किसका वर्ग है, आठ का। ठीक है, चौसठ का वर्गमूल क्या आ गया भाई, आठ आ गया। समझ में आई बात, अगर वर्गमूल निकालना तो दो दो के जोड़े बनाओगे। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर पूछ ले आपसे चौसठ का घनमूल बताओ, चौसठ का क्या बताओ, घनमूल, तो घन होता है किसी भी संख्या का क्यूब, तो यहां पे हमें तीन तीन के जोड़े बनाने, कितने के भाई, तीन तीन के जोड़े। ठीक, तो यहां पे देखो तीन तीन कितने बन गए, दो, कितने बन गए दो, तो दो गुना दो। ठीक है भाई, एक यहां से एक यहां से, तो ये कितना आ जाएगा, दो दुनी चार। इसका मतलब चौसठ जो है वो किसका, चार का घन, वो चौसठ का घनमूल क्या है, चार। ठीक, बात आई समझ में, वर्गमूल में दो दो के और घनमूल में तीन तीन के जोड़े। और देखो ये वर्ग लिखो, ये तुम्हें याद करनी है, एक से लेकर कहां तक, 25 तक वर्ग, ये तुम्हें याद होने चाहिए, मैंने पहले भी बोला था वैसे याद करने होंगे कि ये नहीं होंगे। ठीक है, जल्दी से बोलोगे, एक का स्क्वायर भाई एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, दस का स्क्वायर 100, ग्यारह का स्क्वायर 121। दैया याद कर लिए सारे हैं, बोलना जरा, याद हो गए तेरे सारे 25 तक, फिर बड़ा चल हो गई,
तेरे याद हो गए प्रियांशु, देखो तुझे अभी सुनो पता लगेगा तुझे। 196 तेरे से याद होंगे मिठू। हाँ जी 15 का 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है 22 का 480, 23 का स्क्वायर 529, 24 का 576, 576 और लास्ट 25 का स्क्वायर 625। ये पेटीएम बंद करो, ठीक है। तो ये क्या है, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर, ये तो याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें समझने की क्या बात है, ये याद करने पहले तो रट लो इन्हें, बिल्कुल रटने, 1 से 25 तक रटे होने चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने जब 1 का स्क्वायर किया तो यहां पे क्या आया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये लास्ट डिजिट देखो 4 के स्क्वायर में जो लास्ट वाली डिजिट है वो कितनी आई 6, 5 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट कितनी आ गई 5, 6 के स्क्वायर में 6, 7 के स्क्वायर में 9, 8 के स्क्वायर में 4 और फिर 9 के स्क्वायर में 1 और फिर 0। अब मैंने क्या देखा यहां से यहां तक देखो, यहां पे लास्ट डिजिट थी 1, फिर 4, फिर 9, फिर 6 और फिर 5, फिर यहां से दोबारा रिपीट होनी शुरू होगी। देखो लास्ट डिजिट 6, 3 की 9 और 7 की 9, ठीक। उसके बाद 2 के लास्ट में 4 और 8 वाली के लास्ट में 4, इसी तरह 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 9 के स्क्वायर में भी 1, ठीक है। उसके बाद देख लो 1 ये 0 याद रखनी। अब यहां पे आगे देखोगे तुम, देखो 1 का स्क्वायर होगा लास्ट डिजिट दोबारा से 1, 4, 9, 6, 5। तो मैंने क्या देखा कि जो कोई भी स्क्वायर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसकी लास्ट की डिजिट क्या है भाई, या तो 0 है या फिर 1 है या 4 है या 9 है या 6 है या फिर 5 है, ठीक है भाई। 1, 4, 9, 6, 5, फिर दोबारा 6, 9, 4, 1, फिर 0, फिर यही 1, 4, 9, 6, 5, फिर यही 6, 4, फिर वही दोबारा रिपीट हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, कोई भी एक संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट में ये ही डिजिट होंगी, ठीक, 0, 1, 4, 9, 6, 5, समझ में आई। अगर कोई तुम्हारे से पूछ ले चार नंबर देके कि बताओ इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, और कोई भी एक संख्या ऐसी दिखाई दे दे जिसके लास्ट में ये डिजिट ना हो, तो इसका मतलब वो संख्या वर्ग हो ही नहीं सकती, ठीक। अब इसी तरह क्या लिख लोगे, इसी तरह क्या लिख लो, देखो यहां पे क्या क्या गया, 0, 1, 4, अब जो बच गई संख्या, जैसे कि 2 बच गया, 2, 3, 6, 5, 4, 7 और फिर 8, ठीक है, 2, 3, 7, 8, ठीक। जो बची हुई संख्या है कौन कौन सी भाई, 2, 3, 7, 8, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी संख्या के, अगर किसी संख्या के लास्ट में ये वाली डिजिट है 2, 3, 7, 8, तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है भाई, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, याद रह जाएगी इतनी बात। दो बात तो ये लिखनी अपनी कॉपी में कि एक तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में ये डिजिट होंगी और ये वाली नहीं होंगी। उसके बाद देखो एक चीज क्या याद रखनी तुम्हें, मैंने यहां से लेके वहां तक 1 से लेके 25 तक स्क्वायर लिखे, अब तुम देखो सिर्फ 1 से लेके 26 तक, कहां तक भाई, सॉरी 1 से लेके 24 तक, लास्ट की दो डिजिट देखो सबकी, लास्ट की दो डिजिट, ठीक है भाई, लास्ट की दो डिजिट,
ठीक है देख ली। अब एक बात ध्यान से सुनो, दुनिया का कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है मतलब पूर्ण वर्ग है, उसकी अंतिम दो संख्या, उसकी अंतिम दो संख्या वही होगी जो एक से लेकर 24 तक के स्क्वायर की अंतिम दो संख्या होती है। ठीक है ये बताइए ना, जैसे भाई 16, 25, 36, 49 ठीक है, कोई भी नंबर उठा लो, कितना भी, 1,10,000, 5, 6, 7, 10, 20, 95, 94 जो भी मर्जी उठा लो, उसकी लास्ट की दो डिजिट यही होंगी जो एक से लेकर 24 तक के स्क्वायर में दिखाई दे रही। ठीक है इसके अलावा अगर कोई भी अलग डिजिट है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, याद रह जाएगी इतनी बात, इसे ऐसे लिख लियो लाइन से नोट बना के अपनी कॉपी में। ठीक है ये दो बात याद रखनी तुम्हें, या मैं लिख दूं अगले अगले पेज पे, लिखो या लिख लो भी बताओ, लिख लो। ठीक है यह बात भी आपको लिख लेनी अपनी कॉपी में, एक से लेकर 24 तक के स्क्वायर में जो होगी। अब देखो क्वेश्चन, इसमें से दिखा क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या चाहते हैं इसमें, जैसे पहले ही क्वेश्चन है क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है कि भाई बताओ अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484। ठीक है ये बताओ इसका मान क्या होगा, तो बहुत ही आसान सवाल है भाई, कैसे करोगे, 625 किसका स्क्वायर है देख लो, अभी तो लिखवाई है, 625 किसका है 25 का, और दूसरा क्या था 484 ये किसका है 22 का। ठीक तो 625 तो किसका है भाई, इसका मतलब क्या है अंडर रूट निकालना, तो 625 किसका है 25 का, प्लस ये किसका है 22 का, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 47। ठीक है क्या आ गया भाई 47। अगला सवाल क्या कह रहा, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है अंडर रूट 1225 ये बताओ किसका स्क्वायर है, अंडर रूट 1225 बताओ भाई, रूट 1225। अब देखो एक बात और समझ लिया यहां पे, अगर कोई भी संख्या ऐसी है जिसके लास्ट में क्या है 5, जिसके लास्ट में क्या है 5 है, और हमें उसका स्क्वायर निकालना, क्या करना उसका स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकाल लेंगे, देखो जैसे मुझे निकालना कोई भी संख्या है जैसे 25, इसका स्क्वायर निकालना, तो जो लास्ट में संख्या है इसके 5, इसके लिए लिख दो 25, उसके बाद जो ये 2 है जैसे इसमें इससे अगले वाली संख्या से गुणा कर दो, 2 होती है 6, तुम्हें निकालना 45 का, तो क्या करोगे लास्ट में तो 25 लिख दो, उसके बाद 4 है तो 4 में अगली संख्या से गुणा कर दो, 4 × 5 = 20। ठीक है इसी तरह जैसे तुम्हें 85 का निकालना, तो 85 में क्या करोगे, पहले यहां पे 25 लिख दो, और फिर 8 से अगली संख्या कौन सी है 9, 8 × 9 = 72। आई बात समझ, तो कोई भी संख्या ऐसी जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है ये। ठीक अब ऐसे ही इसका उल्टा, जैसे यहां पे पूछ रहे मेरे से 1225 किसका स्क्वायर रूट है, यानी कि वापस जाना मुझे, अब देखो कैसे करोगे, जैसे यहां पे क्या दिखाई दिया 25, तो मुझे पता लग गया भाई लास्ट में तो 5 हो गई होगा, लास्ट में क्या होगा 5 होगा जब भी 25 आया, अब जो ये 6 है जो बच की संख्या उसे क्या करो 2 कंजुगेटिव नंबर में तोड़ लो, मतलब 2 लगातार संख्याओं में, जैसे 6 है तो 6 क्या होगा 2 × 3 = 6, क्या होगा भाई 2 × 3 = 6, तो उसमें से छोटे वाली संख्या लिख दो। ठीक ऐसे यहां पे 25 है तो 5 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 20 है इसे कंजुकेटिव में दौड़ोगे 4 × 5 छोटे वाला नंबर लिख दो, ऐसे ये 25 तो आई है 5 72 9 8 72 तो छोटे वाली संख्या लिख दो 8। अब इसी तरह ये सवाल करना है भाई, 25 लिखा हुआ है तो 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है अब यहां पे क्या है 12 को तोड़ोगे क्या 3 × 12 तो छोटे वाली संख्या लिख दो 3, तो ये किसका स्क्वायर है भाई 35 का, किसका स्क्वायर है 35 का, 35 का ध्यान तो है नहीं यहां पे, मैं क्या कह रहा था जैसे 25 है लास्ट में, तो 25 की
25 के लिए मुझे पता लगे कि लास्ट में 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक। उसके बाद जैसे यहां बचा 6, ठीक, इसे लगातार दो संख्याओं में तोड़ो, ठीक, 2 3 6, उसमें से छोटी संख्या उठा के लिख दो, लगातार मतलब कंजुगेटिव नंबर्स में। अब जैसे यहां पे 25 का 5 तो आ ही गया, बच गया क्या 20। अब 20 के लिए क्या करोगे, इसे तोड़ोगे दो लगातार संख्याओं में, 4 5 20, उसमें से छोटे वाली क्या है 4 4 लिख दी। इसी तरह यहां पे 8 9 72, छोटे वाली 8 8 लिख दी। अब देखो इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, क्वेश्चन में क्या था भाई, क्वेश्चन में क्या था 25, तो मैंने देखा 25 है तो 5 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद बचा 12 12 को तोड़ोगे तो 3 6 12, छोटे वाली संख्या लिख दो 3, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई 35। अब आगे समझ में, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, अंडर रूट 3364, ठीक है, ये बताना ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, देखो करने का क्या तरीका है, एक तो ये वाला ही तरीका है, इसके फैक्टर कर ले भाई, 3364 के फैक्टर करोगे, ठीक, 2 से काट दिया, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 4, फिर 2 से काटोगे, 2 8 16, 2 6 8, 2 1 2, अब ये संख्या आ गई 841, ठीक है, यहां पे आकर फंस जाओगे, 841 किससे कटेगा, ठीक, बहुत टाइम लगेगा इसे देखने में भाई किससे कटेगा ये, अभी तो हमें पता लग गया भाई 29 से कटेगा ये, ठीक, 29 से कट जाएगा कितनी बार, 29 बार, क्योंकि 29 का स्क्वायर है, हाँ जी, और 29 ही 29, ठीक, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना, तो 2 के जोड़े जोड़े बना लेंगे, कैसे बना लोगे भाई, 2 के जोड़े जोड़े, अब फिर इनकी गुना कर दोगे आपस में, 2 × 29 क्या आ गया 50, ठीक, लेकिन ऐसा करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अब करना कैसे है पेपर में देखो, जैसे ये क्या है 3364 लिखा हुआ है, ठीक, अब हम क्या जाएंगे आसपास चले जाओ, मुझे बता, देखो 40 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान, 4 6 16, 2 0 लग गई 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, ध्यान से समझियो भाई फिर कहीं बोल जाओ, अब देखो ये नंबर है जो 3364, यानी कि 50 से 60 के बीच में आ गया, 50 से 60 का स्क्वायर जो है उसके बीच में आ गया ये, ठीक, इतनी बात पता लगी भाई, 2500 से बड़ा है 3600 से छोटा, इसका मतलब 50 से 60 के बीच में है ये, यहां तक हो गया, तो मैंने एक बात तो पता लगा ली कि भाई ये 50 वाली लाइन में है, यानी कि 5 तो आएगा शुरू में, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, ये लिख रहा 3364, अब देखो 4 किस किसके स्क्वायर के लास्ट में आ रहा था, 4 या तो आ रहा था जिसके लास्ट में 2 है जी, तो यानी कि यू या तो 52 हो सके या 58 हो सके या 58, जिसके लास्ट में 8 है उसका, ठीक, एक और बात पता लग गई, तो मुझे पता लग गया तो ये 52 का है या ये 58 का है, अब कंफर्म कैसे करोगे, अभी तुम्हें एक चीज सिखाई, जैसे 55 का निकालना स्क्वायर, तो 55 का कैसे निकलेगा, 5 का तो क्या हो जाएगा 25, और इसमें अगली संख्या से 5 6 30, यानी कि 55 का स्क्वायर तो है 30 25, यू क्या है उससे बड़ा है, इसका मतलब किसका होगा 58 का होगा, 52 का तो हो नहीं सकता, 52 है छोटी संख्या, आई बात समझ में, कैसे करना सवाल, ठीक। तो क्या आ गया भाई हमारा उत्तर 58, ठीक है, ऐसा लॉजिक लगा के तुम्हें क्वेश्चन सोल्व। अब देखोगे अगला सवाल, सातवां सवाल क्या आ गया था, अगला सवाल क्या है ना 64009, चौथा क्वेश्चन, अंडर रूट 64009, बताओ भाई ये किसका वर्गमूल है, अब इसी तरीके से करना जो सेकंड वाला मेथड बताया ना उसी से, ये क्या लिख रहा भाई 6409, अब बताओ कहां तक पहुंचोगे तुम, 400 पहुंचोगे, जब 400 पे नहीं जी, 4 6 16 नहीं, इस तरह तो नीचे रह गए हम, तो पता लग गया ये 100 से ऊपर है, हाँ जी 100 से तो प्लस है, क्योंकि 100 का क्या हो जाएगा 40 10000, ये क्या है 64000, तो 100 के ऊपर जा रही बात, 200 से भी ऊपर जा रही है, ठीक है, 200 का क्या हो जाएगा 200 से ऊपर, हाँ 2 2 4 और 1 2 3 4, यानी कि 40000, या जी 250 के लिए बैठे हुए, हाँ अब 300 का क्या हो जाएगा 90000,
तो मुझे पता लग गया 200 से 250 के वो 200 से 300 के बीच में। अब 250 का भी निकाल लो, 25 का क्या हो गया 625, और 2 जीरो चिपका दो उसके आगे, यानी कि 62,500, यानी कि इससे भी बड़ा है, प्लस है, तो 250 प्लस है। नंबर क्या है भाई? 250 के ऊपर ऊपर का नंबर है, 250 से ऊपर ऊपर का नंबर है, ठीक है। अभी इतनी बात तो पता लगी, अब देख लो बस यहां से देख लो, जैसे 26 का देख लो, 26 का क्या होगा भाई? स्क्वायर 6 चंग 36, और 6 दूनी 12 दूनी 24, और 2 दूनी 4 दो 840, ठीक है। तो यानी कि 260 भी ऊपर चलेगा। हाँ, तो ये तो भाई इसी लाइन में है। कौन सी लाइन में? 53 25, 250 से 260 के 53 जी 57। अब देखो नो किस में आएगा, या तो 53 में या फिर 57 में, ठीक है, या तो 53 में या फिर 57 में। अब इसमें भी तुम कैसे निकाल लोगे? 255 का देख लो बस। अब लास्ट में 5 है तो 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 25 की किस्म करनी पड़ेगी मुझे, 26 में गुना, 6 5 30, 6 2 12 5 2 10 22, और 3 25, 2 2 2 4 2 6, कितना आ गया भाई? 650। कितना आ गया? 650 25। अब ये बताओ ये संख्या बड़ी होगी छोटी होगी? इससे बड़ी होगी। बड़ी होगी, इसका मतलब ये छोटी संख्या है 255 से, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी संख्या है भाई? 253। ये 253 ही है। समझ में आई बात कैसे करूंगी? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को तो तेज चलाना पड़ा, ऐसा तो हो नहीं पाने के सवाल, दिमाग को खोल कर रखना तब जाके ये सवाल हो पाएंगे, वरना फिर इनके फैक्टर करने में तुम्हें नन्नी आ जाएगी। ठीक, अगला सवाल देखो भी क्या है। एक लास्ट सवाल इस तरह का, फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे। पांचवे नंबर का है ना सवाल, अंडर रूट 9216 प्लस अंडर रूट 12544, ठीक है भाई, ये बताना ये किसका है। अब देखो, अब तुम करो सब कवर्ट मेरे से पहले करने की कोशिश करो, ठीक है। जिसके समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पे देखो बोर्ड पे, यहाँ पे क्या है भाई? 9216, तो 9000 मुझे पता 30 का होगा, ठीक है, 3 3 9 और 2 0 900 हो गए, तो 9000 कहां तक जाना पड़ेगा भाई बता दो। 8 का 8 64, 9 का 9 89, तो इसका मतलब ये 90 वाली लाइन में है, ठीक है, 9 89 81, 8100 आ गया, तो 90 से 100 वाली लाइन में है। अब लास्ट में क्या है? 6 किसके लास्ट में होगा? या तो 4 के, किसके भाई? 4 के, तो या तो 94 होगा या फिर 6 के लास्ट में होगा, 96 होगा, 95 का करके देख लो, 95 का करोगे क्या होगा? 25 और 9 2 90, 90 25, 90 25 से तो बड़ा ही है ये, तो इसका मतलब किसका है ये? 96 का। अब इधर वाले में आ जाओ, ये क्या है भाई? 12544। अब देखो कहां तक जाओगे, 11 का 121 और 12 का 144, यानी कि 14,000 समथिंग, तो ये यानी कि 110 से 120 के बीच में आ गया। कहां से आ गया भाई? 110 से 120 के बीच में आ गया, ठीक है, तो हमें 110 वाली लाइन लेंगे। अब देखो लास्ट में क्या है? 4 4, किस किस के लास्ट में आएगा बताओ? या तो 2 के 8 या 8 के, बस। अब बीच वाला संख्या चेक कर लो, 115 का चेक कर लो, 15 का क्या हो जाएगा भाई? 25 और 11 की 12 करोगे, 11 की किस में करोगे? 12 में 12 30, कितना आ जाएगा? 132 32, ये ज्यादा है जी, 112 का। हाँ, तो ये तो ज्यादा हो गया इससे, तो ये किसका हो गया? 112 का। दोनों का क्या पूछ रहा है मेरे से? दोनों का जोड़ 208, दोनों को जोड़, तो दोनों को जोड़ दो, इधर 96 था इधर 112, दोनों को जोड़ दोगे तो 8 यहाँ पे, 9 और 1 10 की 0, 208 200। आई बात समझ में? कैसे करने ये वाले क्वेश्चन निकाल लोगे अब? ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई अगला सवाल जो नेक्स्ट टाइप है। गुरु जी, अगला सवाल देखो, छठा सवाल है ना? हाँ जी,
रूट क्वेश्चन मार्क माइनस वन, इसका स्क्वायर बराबर क्या है, 8 माइनस अंडर रूट 28। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई देख लिया, अब बताओ इस सवाल को कैसे करोगे। ठीक है, छठा सवाल स्क्वायर को, अब देखो कैसे करना है ये सवाल, कैसे करोगे देखो, जब भी ऐसा हो अगर कहीं भी, जैसे इधर ए स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर, और तुम अगर इसे ए स्क्वायर बराबर एन है, अगर इसी स्क्वायर को इधर लेके जाओगे, इसी स्क्वायर को कैसे लेके जाओ इधर, तो ये क्या हो जाएगा ए बराबर अंडर रूट एन, स्क्वायर उधर जाएगा रूट हो जाएगा, और रूट उधर से इधर आओगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसे स्क्वायर को अगर उधर ले जाऊं तो दिक्कत हो जाएगी, उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इसका स्क्वायर कर लो, यहाँ पे कुछ भी मान लो, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मान लो ये एक्स है, ठीक है, तो रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो ए बी टू ए बी, याद है किसी के, याद नहीं है क्या, है ही, हाँ बस ये याद रखना, अब देखो यही फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, एक का स्क्वायर एक माइनस टू रूट एक्स बराबर इधर क्या है आठ माइनस रूट अट्ठाईस। ठीक है भाई, अब देखो ये वन को क्या ले जाऊंगा उधर ले जाऊं, ठीक, तो ये यहां पर क्या बचेगा एक्स माइनस टू रूट एक्स बराबर इधर क्या बच जाएगा, ये एक जब इधर आएगा घट जाएगा, समझ गया, सात माइनस अट्ठाईस को कैसे लिख लो ऐसे, सात गुना चार, चार क्या लिख लिया भाई, सात गुना चार, अब इधर जो ये सात है इसे तो ऐसे ही रहने दो, सात माइनस यहां से देखो चार किसका स्क्वायर रूट है, दो का, तो दो बार रूट सात अंदर रहेगा रूट सात, ठीक है, और इधर क्या बच रहा था भाई एक्स माइनस टू रूट एक्स, अब दोनों साइड को कंपेयर करो, देखो यहां पे x और रूट के अंदर x, इधर सात रूट के अंदर सात, बाहर दो बीच में माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों को कंपेयर करोगे तो हमें पता लगा कि x की मान ही क्या है सात है, क्या पता लग गया भाई x का मान ही क्या है सात है सात, और यही हमारे से वो पूछ रहा था। ठीक है भाई, यही क्या कर रहा था वो हमारे से पूछ रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, आई बात समझ में प्रियांशु तेरे, यस अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर डाल दे जो भी है, रूट फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर माइनस एटी, अब देखो ये कैसे करोगे तुम, ठीक, इस वाले सवाल को कैसे करोगे, इसमें भी सेम यही मेथड लगाना, स्क्वायर है अभी फॉर्मूला बता, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, पांच प्लस चार, पांच प्लस चार माइनस बताओ, चार चार रूट पांच, चार रूट पांच इधर क्या आ जाएगा बराबर एक्स माइनस अस्सी, ठीक है, ये क्या आ गया पांच और चार नौ माइनस चार रूट पांच बराबर अस्सी, ये अस्सी इधर लेगा जो, ठीक है जुड़ जाएगा आठ में, इसमें जुड़ेगा कितना हो गया एटी नाइन माइनस फोर रूट फाइव इक्वल टू, और यही हमारे से वो जानने की कोशिश कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आ रही क्या, लिखते हो लिख लो वरना इसके लास्ट में स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, पूरे उसके क्यों क्वेश्चन है। अब देखो अगला सवाल क्या है, अगला प्रश्न है, एट फोर सिक्स फोर प्लस बराबर एक सौ दो, ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे, बिल्कुल ऐसे ही सोल्व कर लोगे इसको भी, ठीक, पहले तो ये पता लगाओ ये किसका है स्क्वायर, किसका है, और देखो ये क्या है, ये 9000, ठीक है, फिर वही पहुंच गया हम 90 वाली लाइन में, 90 वाली लाइन में है तो 9 लिख दो, ठीक है, लास्ट में चार है तो या तो 2 का होगा या किसका होगा 8 का होगा,
95 का निकाल के देख लो, 95 का क्या होगा भाई, 5 पंजे 25 और 9 दम 90, ठीक है, क्या है भाई, हाँ तो किसका बच गया ये, 92 का, किसका आ गया भाई, 92 का, ठीक है। इधर क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या आ गया, 92 प्लस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया, 102, ये 92 उधर जाके घट जाएगा, तो रूट क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा भाई, उधर से घट के 10, मैंने बताया था जब इधर स्क्वायर रूट है उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर 100, तो क्या है भाई इसका उत्तर, 100, कितना आ गया भाई, 100, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है भाई डाल दीजिए, क्वेश्चन अंडर रूट रूट 2500 प्लस रूट 961, ठीक है भाई, आई बात समझ, ये पूछ रहा है इधर भी क्या दे दिया क्वेश्चन वन, ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, क्या पूछा भाई, ये किसका स्क्वायर है, अब कैसे करोगे, बिल्कुल सेम यही तरीका अपनाना बिल्कुल, ठीक है, पहले 2500 बताइए तो मैं किसका होगा भाई, 50 का, 2500 किसका है, 50 का, तो 50 बाहर आ गया पहले रूट से, तो पहले तो 961 खुला था, एक मिनट, ये ऐसे है थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, समझ भाई ऐसे है, ठीक ऐसे ही है ना, अब देखो 2500 किसका है, 50 का, हाँ जी 50 आ गया यहाँ पे, उसके बाद 961 किसका है, 961 बताओ, ऐसे सोच का फटाफट दिमाग में, 30 तो ऊपर है 40 नीचे है, किसका है, 31 का, ठीक लग गया पता तुझे मेरी आंसू कि खो रहा तू, बस पता लग रहा तुझे, उस साइड में क्या रखा हुआ है क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर जब इधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट रूट 9, ठीक है, अंडर रूट 9 किसका है, 3 का, क्या आ गया भाई उत्तर, 3, आई बात समझ में, क्या आ गया भाई, 3 आ गया, ठीक। कितना टाइम हुआ समझ लीजिए, 40 हो गई, ये एक लास्ट क्वेश्चन करा दूं फिर उसके बाद अगली क्लास में अगली तरह के सवाल होंगे, ठीक है। 13वें पेज पे, मतलब 13वां सवाल मान लो, चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अंडर रूट 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस अंडर रूट 49, ठीक है, बताओ भाई, देखो ये रूट है सारे ऐसे, ये इसका रूट, ये इसका रूट, ये इसका रूट, और देखो इसे लास्ट वाले रूट से शुरू करना, किससे, बिल्कुल लास्ट वाले से, जैसे लास्ट में क्या है 49, तो 49 किसका होगा, 7 का, ठीक, 7 बार आया, 7 जुड़ेगा 29 के साथ, 7 जुड़ जाएगा किसके साथ, 29 के साथ, कितना हो गया 36, तो बचा रूट में 36, रूट 36 किसका है, 6 का, 6 बार आ होगा और 19 के साथ जुड़ेगा, ठीक है, 19 और 6 कितना आ गया 25, तो रूट में क्या बचा 25, 25 5 का है, 5 बार आ गया 11 के साथ जुड़ जाएगा 16, कितना आ गया 16, 16 4 का है, रूट 16 4 का है, 4 5 के साथ 9 3 का है, रूट 9 3 किसका है भाई, 3 का, तो क्या आ गया हमारा
उत्तर क्या आ गया भाई? तीन। तीन आ गया। कैसे शुरू करना? लास्ट से शुरू करना, बिल्कुल यहां से शुरू करोगे और ऐड करते करते निकल जाओ, ठीक है? हो जाएगा सवाल। अगला सवाल लिखोगे क्या कह रहा भाई? अंडर रूट 32 प्लस रूट 48 बटे में क्या है? अंडर रूट 8 प्लस रूट 12, ठीक है? अब पूछ रहा कि इसका मान क्या होगा, व्हाट इज द, देखो जब इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे करना? देखो अब तक क्या आते नंबर सारे थे परफेक्ट स्क्वायर, अब ये ऐसे नंबर दे दिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक? तो इसमें से क्या करना, जितना बाहर निकल सकता है उतना निकाल लो रूट से। जैसे यहां पे क्या है 32, 32 किसका होता है 16 गुना 2, 32 क्या है 16 गुना 2, तो अंडर रूट के अंदर 16 गुना 2 आ गया। 48 क्या होता है 16 की 48, ठीक है? ऐसे फैक्टर में तोड़े करो जो क्या हो, एक तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कम से कम, इसीलिए मैंने 16 में तोड़ा। 12 चौक 48 लिखता तो 4 जाता, ठीक 12 ले जाता, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने की कोशिश करो। 8 को कैसे लिख सकते हो भाई तुम, 2 गुना 4, 2 चौक 8, और 12 को 3 चौक 12, ठीक है? अब देखो क्या होगा यहां पे, जैसे पहले लिखा हुआ है 16 गुना 2, तो 16 किसका है 4 का, 4 बार क्या बार आ गया 4, अंदर बचा रूट 2 प्लस यहां पे भी 4 बार रूट 3 बटे में, देखो ये 4 तो है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा रूट में बचेगा 2, इसी तरह यहां पे 4 2 का है रूट में बचेगा 3, ठीक है? ऊपर वाले में से 4 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा भाई, रूट 2 प्लस रूट 3, और नीचे वाले में से क्या कॉमन ले लोगे 2, तो रूट 2 प्लस रूट 3, रूट इस पूरे से ही पूरा कट गया, 2 से 4 कट गए 2 फेरी, इस 2 से ये 4 कितनी बार कट जाएगा 2 फेरी है, 2 फेरी कटेगा, ठीक है? उत्तर क्या आ गया 2 2 2 आए, बात समझ? अगला सवाल भी ऐसे ही, रूट 32 रूट 24 प्लस अंडर रूट 216 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 96, इसकी वैल्यू बतानी है निकाल के भाई क्या होगी, इसका क्या उत्तर होगा? देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो 24 को बाहर निकाल दो, मैं डायरेक्ट बता रहा, डायरेक्ट बता रहा, जैसे 24 क्या होगा भाई, 4 6 24 6 6 24, ठीक है? तो 4 6 24, 4 तो होता है 2 बार, तो 2 तो बाहर आ गया, तो रूट में क्या बचा 6 6 प्लस 216 क्या होगा, देखो 216 होता है 36 गुना 6, ठीक है? 36 में से 6 बार 6 रूट 6, रूट में 6 बच गया, डिवाइड करोगे देखो 96, बताओ 96, 16 छक्का 96, 16 में से 4 बार रूट के अंदर बचा 6। अब अगर ऊपर वालों में से दोनों में से मैं क्या ले लूं, रूट 6 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं भाई, रूट 6 कॉमन, ठीक है? तो रूट 6 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 2 प्लस 6 और डिवाइडेड में क्या आएगा 4 रूट 6, रूट 6 से रूट 6 कट गया, 6 2 8 बटा 4 कितना आ गया 2, ठीक है? क्या आ गया भाई 2, ठीक। ठीक है तो इस वाली क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।